sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM शो दैट PQR. Show that triangle इज सिमिलर similar to triangle PQR. इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं फिगर बना के इस क्वेश्चन के हिसाब से साइड ए बी प्रपोर्शनल है पी क्यू के एसी साइड इज प्रपोर्शनल टू पी आर साइड एंड मीडियम प्रोपोर्शनल टू मीडियम पी एम एक क्वेश्चन पहले भी ऐसा किया है मीडियम डी परपोर्शनल था एम के लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए यहां बी सी और क्यू आर नहीं दिया गया यहां पर ए सी और पी आर दिया गया है तो ये डिफरेंस है ये डिफरेंस थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को समझाता है इस डिफरेंस से हम इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें था टू साइड्स एंड मीडियन बायसेक्टिंग वन ऑफ दीज साइड्स इज प्रोपोर्शनल टू टू साइड्स एंड मीडियन बायसेक्टिंग वन ऑफ दीज साइड्स देन शो दैट ट्राइंगल्स आर सिमिलर दैट मीन्स ए बी is proportional to PQ, BC is proportional to QR, and AD is proportional to PM. This is given to us, and हमें show करना था कि ABC PQR के similar है. लेकिन यहाँ पे अलग है. यहाँ पे जो आपने देखा median जिसको bisect कर रहा है वो side नहीं आई है. ये दोनों sides proportional हैं. AB is proportional to PQ, AC is proportional to PR, and AD median is proportional to PM. इस बार हमें BC और QR नहीं मिला है.

एंड पी जो मीडियन है वो थर्ड साइड को बायसेक कर रहा है और हमें मीडियन प्रपोर्शनल दिए गए इज प्रपोर्शनल टू पी ये देखिए ए बी इज प्रपोर्शनल टू पी क्यू ए इज प्रपोर्शनल टू पी आर हेयर एंड इज प्रपोर्शनल टू पी एम ये दिया गया है तो हमें बताना है कि ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है अब देखते हैं कि इसको कैसे करना है Even इस बार है ट्राइंगल्स ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर ए डी इज मीडियम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी एम इज मीडियम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर और हमें दिया गया है ए बी इज़ प्रपोर्शनल टू पी क्यू ए सी इज़ प्रपोर्शनल टू पी आर और मीडियन ए डी इज़ परपोर्शनल टू मीडियम पी एम हमें लाना है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे को ए बी और ए सी साइड प्रोपोर्शन मिलनी है पी क्यू और पी आर के तो हमें एंगल ए और एंगल पी को इक्वल लाना है तब जाके ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर होंगे जब दो साइड्स प्रोपोर्शन हो जाएंगे और इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तब ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इस बार हमें एंगल ए को एंगल पी के इक्वल दिखाना है तो ये उतना आसान नहीं है जितना पिछली बार था इस बार इसमें कंस्ट्रक्शन है और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गया प्रोड्यूस ए डी टू सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई हमने ये इस तरह से प्रोड्यूस किया कि AD है कि ए डी और डी ई इक्वल है यहाँ पर भी यही हुआ है एंड प्रोड्यूस पी एम टू एस सच दैट पी एम इज इक्वल्स टू एम एस एंड ज्वाइन सी ई एंड एस आर ये देखिए हमने सी ई और एस आर को भी ज्वाइन किया है तो हमारा कंस्ट्रक्शन है कि हमने ए डी को प्रोड्यूस किया ई e तक ए डी इक्वल्स टू डी ई की फॉर्म में और सी ई को ज्वाइन किया है यहाँ पर भी हमने पी एम को प्रोड्यूस किया एस तक कि पी एम इज ईक्वल्स टू एम एस और हमने एस आर को ज्वाइन किया है इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं हमें लाने की कोशिश करनी है कि ये एंगल पूरा का पूरा इसके इक्वल है हम एक काम करते हैं हम इनके नेमिंग करते हैं ये वन ये टू ये थ्री एंड ये फोर इसको फाइव इसको सिक्स ये सेवन इसको एट एंड दिस इज नाइन एंड दिस इज टेन नाउ सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कांग्रेंट कर देंगे ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं क्या देखते हैं अगर ए डी मीडियम है तो बी डी और डी सी इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ए डी मीडियम है और ए डी इज इक्वल्स टू डी ई ये तो बाई कंस्ट्रक्शन है ए इक्वल्स टू डी ई सेवन एंड एंगल एट एंगल सेवन एंड एंगल एट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे इससे एंगल वन एंगल फाइव के इक्वल आ जाएगा लेट्स ट्राई टू डू इट हम फिर से एक बार देखते हैं ए डी इज टू डी ई है बाई कंस्ट्रक्शन एंड बी डी इज टू डी सी बिकॉज ए डी मीडियम है इसलिए बी डी और डी सी इक्वल है एंगल सेवन एंड एट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं इसलिए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं और हमने कांग्रेंट क्यों किया है क्योंकि हमें एंगल वन एंड एंगल फाइव को इक्वल बताना था सी पी सी टी से एंगल वन और एंगल फाइव इक्वल हुए हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स सी से एंगल वन एंड एंगल फाइव इक्वल हुए हैं और इसी को इक्वल लाने के लिए और साथ में ए बी बी सी के इक्वल हुई है इन्हीं को इक्वल लाने के लिए हमने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट किया है सिमिलरली अब हम ज्यादा शो नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एस एम आर ये देखिए यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल्स भी बिल्कुल इसी वजह से कॉन्ग्रेंट हो गए हैं क्योंकि पी एम इज टू एम एस बाई कंस्ट्रक्शन क्यू एम इज टू एम आर क्योंकि पी एम है और एंगल नाइन इजक्स टू एंगल टेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हुए हैं एंड एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल सिक्स हो गया और बी क्यू टू आर एस हो गया है सी पी सी टी से अब था हमारे पास ए बी परपोर्शनल है पी क्यू के ए सी परपोर्शनल है पी आर के और ए डी मीडियन प्रपोर्शनल है पी एम के यहाँ पर हम चेंजेस करने वाले हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बी और सी ई इक्वल है तो हम यहाँ पे ए बी को ई e से रिप्लेस कर देंगे पी क्यू आर एस के इक्वल है तो यहाँ भी रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सी ई और यहाँ आ जाएगा आर एस और यहां पर हम एक और चीज करने जा रहे हैं ये ए डी हाफ ऑफ ए है और पीएम हाफ ऑफ पी एस है क्योंकि ए डी और डी ई इक्वल है तो ए डी आधा हो गया ए ई का तो हमने ए डी को लिख दिया हाफ ए ई इसका आधा और इसी तरह से हमने पी एम को लिख दिया हाफ ऑफ पी एस इसका आधा यानी हमने क्या क्या किया हमने ए बी की जगह ई लिखा और पी क्यू की जगह आर एस लिखा इस जगह पे हमने सीई डाल दिया और पी क्यू की जगह आर एस लिख दिया और इसको भी हमने ए ई का हाफ बता दिया और पी एम को भी हमने पी एस का हाफ बता दिया और अब ये हाफ ऑफ कट जाएगा तो अब ये जो बना ये क्या है सी ई सी ये ये पार्ट है ये आर एस के प्रोपोर्शनल है ए सी ए सी ये साइड है ये पी आर के प्रोपोर्शनल है और ए पी एस के प्रोपोर्शनल है इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए ए e, ट्राइंगल पी एस आर के सिमिलर हो गया बाय साइड 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 सिमिलैरिटी और इनके सिमिलर होने से एंगल टू और एंगल फोर इक्वल आ गए एंगल टू और एंगल फोर इक्वल आ चुके हैं दिस इज फिफ्थ अब हमारे पास फाइव एंड एंगल सिक्स भी इक्वल आ गए हैं। अब इनमें से जो रिजल्ट्स हमको चाहिए वो रख के हम थोड़ा सा रब करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी है क्वेश्चन अब तक के जो रिजल्ट्स थे उसमें हमें चाहिए एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सिक्स ये हमारे रिजल्ट्स आ चुके थे जब हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किए थे तो वो हमने रिजल्ट्स रख लिए हैं बाकी यहां लिखा हुआ तो अब हमें इसे कैसे यूज करना है वो देखना है अभी अभी हमारे पास आया है एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर परंतु यहां से एंगल फाइव एंड एंगल सिक्स भी इक्वल आए हैं एंगल फाइव एंगल वन के इक्वल है एंगल सिक्स एंगल थ्री के इक्वल है इसलिए वन एंड थ्री भी आपस में इक्वल हो गए बिकॉज एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स और यहाँ से हमारे पास एंगल टू इज टू एंगल फोर आया हुआ है अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो आप देखेंगे कि एंगल ए बन गया है और यहाँ से एंगल पी बन गया है अब हमने इतनी मेहनत इन्हीं को ही इक्वल लाने को की थी जो हो गए हैं और हमारा काम था ट्राइंगल ए बी सी को और ट्राइंगल पी क्यू आर को सिमिलर बताना अब वो हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ए बी परपोर्शनल थी पी क्यू के और ए सी थी पी आर यहां से और अभी हम एंगल एस्ट एंगल पी ले आए हैं यहां से proved प्रूव तो ट्राइंगल जो है ABC और पी क्यू आर सिमिलर हो गए हैं आई साइड एंगल साइड से क्योंकि इस बार ये इंक्लूडेड एंगल है तो ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू ए सी इज प्रोपोर्शनल टू पी आर एंड इंक्लूडेड एंगल्स Angle A and angle B are also equal, so triangles are similar by side angle side similarity.